इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक जन सेवा केंद्र कैसे खोल सकते हैं। जन सेवा केंद्र एक सेंटर होता है जहां से आप पब्लिक को काफ़ी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना या राशन कार्ड बनाना। ये इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज होती है जो आप अपने जन सेवा केंद्र से पब्लिक को ऑफर करते हैं। जन सेवा केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन कम से कम 10th होनी चाहिए, आपके पास एक शॉप होनी चाहिए और उसमें कम से कम एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और एक पावर बैकअप यानी UPS या इन्वर्टर होना चाहिए। अगर आपकी एज कम से कम 18 साल है और आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास है और आपके पास एक शॉप है और उस शॉप में एक कंप्यूटर है और एक प्रिंटर, स्कैनर और एक पावर बैकअप यानी UPS या इन्वर्टर है, तो आप आसानी के साथ जन सेवा केंद्र ले सकते हैं। जन सेवा केंद्र लेने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फ्री में CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। CSC के लिए अप्लाई करने के बाद अगर आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाता है तो आप उसके थ्रू भी अपना जन सेवा केंद्र चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको CSC का यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिलता, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तब आप CMS CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CMS CSC पोर्टल में आपको CSC से ज़्यादा सर्विसेज मिलती है, लेकिन ये फ्री नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना होता है। CMS CSC पोर्टल लेने के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे, ब्राउजर में आप टाइप करेंगे cmscseonline.co.in तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। CMS की सर्विस आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी। तो यहाँ से जिस स्टेट में भी आप रहते हैं उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम UP चूज कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। नीचे यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू VLE रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप चूज कर लेंगे न्यू CSC। यहाँ पर आप चूज करेंगे आप गांव में लेना चाहते हैं या शहर में। अगर आप गांव से हैं तो आप यहाँ रूरल चूज करेंगे, लेकिन अगर आप शहर से हैं तब आप यहाँ अर्बन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद आप तहसील चूज करेंगे, यहाँ पर आप ब्लॉक चूज करेंगे, लेकिन क्योंकि आपने अर्बन चूज किया है तो आपको ब्लॉक, ग्राम पंचायत या विलेज चूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यहाँ पर टाउन चूज करेंगे। टाउन में क्योंकि वार्ड्स होते हैं तो यहाँ पर आप अपना वार्ड नंबर चूज कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ फिल नहीं करना है, विलेज कोड या मोहल्ला नंबर डालने की जरूरत नहीं है। वार्ड नंबर यहाँ पर आ गया है, अब आप यहाँ पर लोकेशन डालेंगे जिसमें हम अपने कस्बे का नाम डाल देते हैं। यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे, नीचे आएंगे यहाँ पर आपको अपना फुल नेम डालना होगा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है। यहाँ पर आप फादर नेम डालेंगे, यहाँ पर आप मदर नेम डाल देंगे, यहाँ से आप जेंडर चूज कर लेंगे, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ से चूज करेंगे और यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे इस कैलेंडर से। यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर आपका वर्किंग में होना चाहिए, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक वर्किंग ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद सारी बात आपकी ईमेल आईडी के जरिए ही होती है, तो आप यहाँ पर एक वर्किंग ईमेल आईडी डालिए। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है, नीचे यहाँ पर आप पैन नंबर डालेंगे, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप यहाँ वोटर आईडी कार्ड नंबर भी डाल देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, ये जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना होगा कि एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर हम बैंक अकाउंट नंबर चूज कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। इसके बाद आपको चूज करना है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, तो यहाँ पर हम इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट चूज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चूज करेंगे, अगर आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा या कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट लिया है तो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। कंप्यूटर नॉलेज आपको कितनी है वो आप यहाँ चूज करेंगे, बेसिक, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट। अगर आपको बिल्कुल कंप्यूटर चलाना नहीं आता तब आप यहाँ नन चूज करेंगे।
लेकिन इसमें आपको CMS पोर्टल मिलने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, इसलिए आप यहाँ एटलीस्ट बेसिक तो चूज करिए। चलिए हम एक्सपर्ट चूज कर लेते हैं। अभी आप CMS पोर्टल ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप क्या काम करते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। आप स्टूडेंट है, किसान है, कोई प्राइवेट सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, या कोई लोकल शॉपकीपर है। जैसे कि यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आप डालेंगे आपके पास कितने कंप्यूटर या डेस्कटॉप्स हैं, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 2। यहाँ पर आप कुछ भी डालिए, इसको कोई चेक करने नहीं आता। यहाँ पर प्रिंटर डाल देते हैं, स्कैनर आपके पास कितने हैं या डिजिटल कैमरा वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, UPS या पावर बैकअप मतलब के इन्वर्टर आपके पास कितने हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे, अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा। अपलोड करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उनका फॉर्मेट JPG या PNG होना चाहिए और साइज उनका 50 KB मिनिमम और 200 KB मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर हम अपना फोटो अपलोड करेंगे, तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी फोटो रखा है उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए फोटो आ चुका है। इसके बाद पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपका पैन कार्ड रखा हुआ है बस आप उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ओपन कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप उसको भी स्कैन करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, अपने आधार कार्ड को चूज करेंगे और फाइल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जो भी एजुकेशन आप यहाँ पर चूज करेंगे उससे रिलेटेड मार्कशीट ही आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद यहाँ एड्रेस प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं वो आप चूज कर लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड या बैंक की पासबुक। तो हम यहाँ बैंक पासबुक चूज कर लेते हैं। आप अपनी बैंक की पासबुक का एक फोटो क्लिक करेंगे या उसको स्कैन करेंगे। इसके बाद यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब शो होती है और नीचे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जन सेवा केंद्र एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और इंक्वायरी नंबर दे दिया गया है 95451 और कहा गया है कि आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को चेक करते रहिए और डिटेल्स के लिए। इसके बाद आपको 1 से 2 हफ्ते का वेट करना है या आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। इसके बाद 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एक ईमेल आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपकी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया गया है, अब आपको पेमेंट करना है। उसमें एक लिंक दिया गया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 9,000 रुपीज का पेमेंट करना होगा ऑनलाइन, जो कि आप अपने डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से कर सकते हैं। एक बार पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद 1 हफ्ते में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाएगा जिससे आप जनसेवा केंद्र में ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन लॉगिन करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे UPE डिस्ट्रिक्ट या जिस स्टेट के लिए भी आपने लिया है। सबसे पहला ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन टू ई डिस्ट्रिक्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आप चूज करेंगे CSE। इसके बाद यहां पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे जो आपको ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा। यहां पर आप ये कैप्चा टाइप करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप अपने पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। इसमें आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, इस तरह के सभी डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं और आप नीचे तक स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये टोटल 26 सर्विसेज हैं जो आप पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं अपनी शॉप से। सो इस तरीके से आप एक जनसेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। जनसेवा केंद्र ओपन करने के लिए आपसे कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए क्योंकि इसमें सारी सर्विसेज ऑनलाइन होती है। अगर आपसे कंप्यूटर नहीं चलाना आएगा तो आप अपने जनसेवा केंद्र को रन नहीं कर पाएंगे। फ्री में कंप्यूटर सिखाने के लिए हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, ईशान कंप्यूटर एकेडमी। आप उस पर जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं उन्हें देखते रहिए और आप घर बैठे फ्री में कंप्यूटर सीख जाएंगे। आपको किसी भी कंप्यूटर सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।